20 rupees. Hello and welcome back to my channel Shop and Explore. I'm Sapna. In today's video, we are exploring Sarojini Nagar Market. आप सोच रहे होंगे सरोजिनी नगर मार्केट पे तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार हम आए हैं मंडे मार्केट और एक्सप्लोर करेंगे और करेंगे यहाँ का रियलिटी चेक कि यहाँ पर वो चीज़ें जितनी भी बोली जाती हैं 10, 15, 20 रुपए में मिलती है या नहीं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूं क्योंकि आपने मेरे पिछले एक्सप्लोरिंग वीडियो सरोजिनी नगर मार्केट को काफी पसंद किया. और अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख पाए. वैसे तो ये मार्केट ऑफिशियली मंडे क्लोज होती है, मगर ये मार्केट मंडे मार्केट के नाम से भी काफी फेमस है क्योंकि मंडे के दिन यहाँ कहते हैं कि कपड़े और दूसरी चीजें काफी सस्ती मिलती हैं. इसी से रिलेटेड आपने पहले भी यूट्यूब पर कई वीडियोस देखी होंगे जो दावा करते हैं कि 10, 20, 30, 50 में आप कर सकते हैं ढेर सारी शॉपिंग. इसी दावे की सच्चाई का आज हम करेंगे रियलिटी चेक. तो चलिए मेरे साथ और देखिए इट्स वर्थ इट और नॉट. आज मंडे मार्केट का नज़ारा काफी अलग था क्योंकि आज के दिन जो शॉप क्लोज होती थी वो भी आज ओपन थी और मार्केट में आम दिनों जैसा ही क्राउड था. शायद इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि तो है ही और आगे आने वाले दिनों में दिवाली आने वाली है, तो ऐसे में कस्टमर चाहते हैं पहले ही शॉपिंग कर ली जाए और शॉपकीपर चाहते हैं कि दिवाली के ओकेजन से अपने घर को क्यों ना और भी रोशन कर लिया जाए. आज मेरा फोकस यहाँ की शॉप पर नहीं होगा क्योंकि उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ. तो आज सिर्फ मंडे मार्केट में मिलने वाली सस्ती चीजों को ही हम एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए लेट्स गो. यहाँ मेरी आपको ये दिखाने की कोशिश है कि 60 रुपीज में किस क्वालिटी, प्रिंट और साइज की टी शर्ट आपको यहाँ देखने को मिल सकती है. देखने को मिली ये आउटडेटेड वुलन स्वेटर्स और कार्डिगन्स जो आउटडेटेड के साथ साथ डिफेक्टिव पीस भी थे. जस्ट टेक अ लुक. ये
20 रुपए। यहाँ पर है 20 रुपए में बीट्स, पर्ल और स्टोन की ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। यहाँ आकर तो मैं हैरत में पड़ गई थी, आखिर 50 रुपए में ये है क्या? आपको भी दिखाती हूँ, टेक अ लुक। यहाँ इतने लूज टॉप थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि इस टॉप का हाथ कहाँ है और सर कहाँ। यहाँ पर है हर तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बट आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज डोंट बाय दिस फेक ब्रांड मेकअप प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। इसके अलावा 50 रुपए में कॉम ब्रश मिरर लेना चाहते हैं तो गो फॉर इट। मार्केट में आओ तो इस तरह के बैग्स आपको ज्यादा से ज्यादा 500 में मिलेंगे, और आज भी कई जगह यही बैग्स 500 के हैं, लेकिन इस शॉपकीपर के यहाँ इन बैग्स की कॉस्ट है 350 रुपीज, जो मुझे काफी रीजनेबल लगा इस मंडे मार्केट में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैंट्स डिफेक्टिव नहीं, रीयूज वाली जीन्स है, यानी कि इस्तेमाल की गई जीन्स है, इसलिए आपको इस प्राइस में मिल रही है। मैं तो आपसे बस यही कहूंगी, बी अलर्ट। मैडम आ जाओ, 10-10 में छाटू माल को पैक कराओ। 10 रुपए। आप भी कब से सोच रहे होंगे कि 10 वाला माल कहाँ है, तो जरा ये देखिए 10 वाले टॉप, जो गंदे होने के साथ साथ आउटडेटेड और आउट ऑफ फैशन भी हैं। बहुत रेयर चांसेस है आपको 10, 20, 25 में कोई बढ़िया टॉप मिलना, क्योंकि ये ठीक सूखी घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इसके लिए आपके पास काफी वक्त भी होना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। सौर में।
यहाँ पर बॉयज की टी शर्ट मिल रही थी जो सीधा शॉप से निकाली गई थी। इसका मतलब ये था कि शॉपकीपर पुराने स्टॉक को अपनी शॉप से निकाल कर काफी रीजनेबल प्राइस में लोगों को सेल कर रहा था। ये टी शर्ट नई थी और काफी रीजनेबल प्राइस पर मिल रही थी। वैसे तो मुझे मंडे मार्केट से अपने लिए कुछ खास मिला नहीं, फिर भी ये ब्लैक टॉप मैंने लिया है जो केवल 200 रुपए का है। अब भाई शॉपोहॉलिक हूँ तो यहाँ से खाली हाथ कैसे जा सकती थी। अच्छा भी था और सस्ता भी, कुछ बेकार भी था और यूजलेस भी। वैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मंडे मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपसे कह सकती हूँ कि जैसे 100 रुपए में 3 स्टॉल अच्छी डील थी, नो डाउट आर्टिफिशियल सारी ज्वेलरी वाकई काफी चीप थी। बॉयज की टी शर्ट 100 रुपए में वो भी काफी रीजनेबल लगा मुझे। आपको मैंने कुछ बैग्स दिखाए वो भी अफोर्डेबल थे। इसके अलावा आपको 10, 25, 50 वाली चीजें भी मैं दिखा चुकी हूँ। अब ये टोटली आप पर डिपेंड है आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये था मंडे मार्केट का रियलिटी चेक। यहाँ मेरा मकसद किसी की सेलिंग को रोकना नहीं था, और अगर जाने अनजाने मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मौसम बदल रहा है क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। मैं आपको फिर एक बार ले चलूंगी सरोजनी की शॉपिंग पर दिखाने यहाँ का विंटर कलेक्शन। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन।